गाइस ये आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर, इसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं। आवाज भी आ रही है। अब ये कैसे उड़ेगा? इसको उड़ाने की ट्रिक ऐसे। तो गाइस अब इसके एग्जॉस्ट की आवाज सुनाता हूं आपको। सुनाया नहीं ना? शर्ट इसे कर ले। शर्ट से तो गाइस हम जा रहे हैं स्कूल। मेरे पास भी जा रही है स्कूल का बैग। गाइस मरीज, गाइस मरीज। चलो गाइस आ जाओ, आ जाओ गाइस, गाइस आ जाओ, आ जाओ गाइस, आ जाओ। तो गाइस आ काम वाले आंटी जी। तो और ये खड़ा हमारा सिम्बा। चल रहा है सब अच्छा बनाने का। सॉक्स में स्नैक गाइस। एक बात तो पता नहीं भूल गया मैं, मेरा वेट कम हो गया सबसे बड़ा काम इसको बाहर निकालना है। अब इसके एग्जॉस्ट की आवाज सुनाता हूं आपको। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इसको निकाल दे। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। खेत में आए नानी के पास छाछ वाछ लेने, और उसके बाद में निकलेंगे जयपुर के लिए। तो यही है जी। अरे भैया फोन तो पकड़ो आपका, सॉरी। तो गाइस आज हमारे जो है वो थोड़ा उस तरफ लगे हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा, आहा क्या बात है, क्या बात है। क्या बोलते है भाई? मेरे को तो डर लगता है भाई, कार्ड नहीं ले रही है। वैसा बढ़िया है, वैसा बढ़िया है, चीज बढ़िया है, लेकिन क्या पता काट जाए तो। चल गुड बॉय। अच्छा यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे ना भैंसे बांधते हैं। अभी तो वहाँ पे बांधते हैं जहाँ पे मैंने बताया था आपको बाहर, यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे। और इस तरफ भरा हुआ है चारा इस पूरे रूम के अंदर, दिखाऊं? अरे यार अभी तो थोड़ा खाली हो गया, पहले यहाँ तक भरा हुआ था बाहर तक। ये देखो पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। तो गाइस ये आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर, इसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं। आवाज भी आ रही है। अब ये कैसे उड़ेगा? रुको रुको रुको, फर्स्ट वो देखो। इसकी भी हवा चेक करवानी है, कम हो गई थोड़ी, यहाँ से पता चल रहा है। तो फाइनली अब यहाँ से निकलने का टाइम। अरे भैया क्या हो गया? तो अभी टाइम हो रहा है 9:00, मतलब 10:00 बज गए ऑलमोस्ट। तो यहाँ से निकलते हैं
देखते हैं कितने टाइम में घर पहुंचेंगे। और आज वैसे मन तो नहीं है रुकने का। तो सीन कुछ ऐसा है कि धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो स्लीव्स पूरी लगा ली जाए बिकॉज बहुत तेज है। लेट लतीफ हूँ यार मैं, मतलब मैंने सोचा था सुबह 8 बजे तो मैं निकल ही जाऊँगा और टाइम अभी 10 बज रहा है। बताओ कैसे चलेगा ऐसे, कैसे। चलो जैसा भी है जो भी है, अब निकल ही गया हूँ यहाँ से। अराउंड 1 घंटा लगेगा मुझे, 10:03 हो रही है, तो देखते हैं घर कितने बजे तक पहुँचता हूँ, बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी सूर्य देवता आज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, तो यही है जी। और हवा वैसे ठंडी है, अभी ठंडक है यहाँ पे। बाकी ये भैया पता नहीं क्यों देख रहे हैं बार बार घूम घूम के हमारी बाइक को। पता है सिम्बा को अगर कोई ऐसे घूम घूम कर देखता है ना पलट पलट के, बड़ा अच्छा सा फील होता है। अभी लास्ट टाइम इधर आया था तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, और अभी एकदम सड़कें खाली पड़ी है, और टाइम अभी 10 बज रहे हैं, 10:06। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, इसमें जो एयर ब्रशर पे इसको करवा लेते एक बार। बहुत ज़्यादा कम हो गई हवा। तो अभी इस पेट्रोल पंप पे मैं रुका हुआ था, तो यहाँ पे मैंने सोचा इनसे थोड़ा हवा भरवा ली जाए, आगे और पीछे दोनों में कम थी। तो हुआ ये कि जितनी उसमें थी वो भी पूरी निकल गई। अब मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी। फिर दूसरे जो भैया थे वो आए और उन्होंने हवा इसमें दोनों टायरों में भरी, तो जाके कुछ ठंडक मिली दिल को। थैंक यू भैया। सीकर रोड, तो बस ये है, यहाँ से मैं आ चुका हूँ हाईवे पे। भाई कसम से बता रहा हूँ, इस गाड़ी को मैं जितना खींचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और हाईवे पे तो यूं पकड़ लेती है 100 की स्पीड की बस, सब नॉर्मल है मतलब इसके लिए। तो यही है जी, काफ़ी सही मैंने डिसीजन लिया था इस बाइक को लेकर के। इसका कलर भी काफ़ी सही लगा लोगों को। बाइक की है ना जो परफॉर्मेंस है वो अलग ही लेवल की है, सच बता रहा हूँ। मतलब मेरा मन ऐसा होता है कि ना इसको लेके निकल जाऊँ बस लॉन्ग राइड पे, बट यार अभी थोड़ा सा इशू है, अभी नहीं जा सकता मैं बाहर जयपुर से। तो जयपुर के अंदर जितने भी 100 किलोमीटर के अंदर के जो एरियाज हैं ना, वो हम कवर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सब कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी लॉन्ग राइड के लिए, जो कि कम से कम 1500 किलोमीटर की होगी। बाकी ये देखो क्या बात है, आपके फ्रेंड्स हरी हरी घास खा रहे हैं इधर, खा रही है और खा रहे हैं, दोनों हैं। 1 तारीख को हमने ली थी इस बाइक की डिलीवरी, और आज है 9 तारीख, और इसको हमने चला दिया है 450 किलोमीटर, 459 किलोमीटर इसको चला दिया है। और जो इसकी फर्स्ट सर्विस थी वो थी 550 से समथिंग कुछ 60 दिन, यानी 60 डेज के अंदर अंदर वो करवानी है। तो गाइज आप सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों, टोल आ चुका है और टोल क्रॉस कर रहे हैं हम। अरे यार गलत लाइन में डाल दी क्या, ये तो बड़ी इस तरफ जाना था। लाइन में हम एंटर हो जाते हैं ना, लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। पहुंच चुका हूं हरमाड़ा, और इसीलिए ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो यहां से मैं बस अभी निकलूंगा और हाईवे जो बाईपास आएगा फ्लाईओवर, वहां से हमें लेना है राइट। तो फाइनली मिल गया है जाम, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि इसी जाम से आपको पता चलेगा कि हाँ जयपुर के आसपास तो आ ही चुके हो आप, अगर जयपुर में भी एंटर नहीं हुए तो। टू व्हीलर का यही तो फायदा है, अब आप पीछे तक देखोगे ना कम से कम 500 मीटर का जाम होगा, 501 किलोमीटर जो भी है, बट हम तो बाइकर है, ऐसे ऐसे कट मार के निकल जाएंगे। तो गाइस अभी मैं जस्ट पहुंचने ही वाला हूं घर पे, और GoPro हमारी डेड, फिर से डेड, उसकी बैटरी हमेशा चार्ज नहीं कर पाता मैं, हमेशा मेरी आदत ही है, ना फ़ोन की चार्ज रहती है ना GoPro की चार्ज थी। अभी बस घर पहुंचने ही वाला हूं, मिलता हूं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय।